नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठानी। राहुल गांधी पर मानहानी मुकदमा चला जिसके बाद राहुल गांधी को सजा सुनाई गई, राहुल गांधी का घर छूटा, सांसदी भी गई और पार्टी को झटका लगा वो अलग। हालांकि इसके पीछे राहुल बौखलाहट में कितना भी बीजेपी को कोस लें, ये न्यायिक प्रक्रिया थी और सब कुछ कानून के तहत हुआ, ये सबने देखा। तो वहीं अब खबर सामने आ रही है कि सुशील मोदी के सामने भी इस तरह की मुश्किल सामने आ सकती है, जहां बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अब सुशील मोदी को पूरी तरह से फंसाने का मन बना चुके हैं। अब ये न्यायिक प्रयोग है या सियासी सहयोग, आइए आपको बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी पर बहुत जल्द मानहानि का केस हो सकता है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बयान दिया है कि वो बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी पर मानहानि का केस करेंगे। दरअसल नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा के बाद चंद्रशेखर ने बीजेपी के आरोप पर जवाब दिया। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि देश को जलाने से बचाना क्या तुष्टिकरण है, नौकरियां गायब हैं, बेरोजगार तबाह है, 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होनी थी लेकिन क्या हुआ। चंद्रशेखर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को प्रयोग स्थल बनाने का कोई भी प्रयोग सफल नहीं होगा, लेकिन यहाँ तक तो वार पलटवार चल रहा था, तो आखिर मानहानि का केस किस बात पर लगाना चाहते हैं चंद्रशेखर। दरअसल बात तब बिगड़ी जब सुशील कुमार मोदी ने चंद्रशेखर की दो पेंशन से जुड़ा बयान दे दिया। चंद्रशेखर ने इस बयान के जवाब में हमला बोला, जहाँ चंद्रशेखर ने कहा कि अगर ऐसा है तो सबूत पेश किया जाए, जिसके बाद चंद्रशेखर ने ये हुकार भरी कि सुशील कुमार मोदी पर मानहानि का केस किया जाएगा और जो सुशील मोदी ने किया वो चरित्र हनन का प्रयास है। इसके बाद चंद्रशेखर ने इस मुद्दे को नया एंगल देने की कोशिश करी, जहां प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि एक शिक्षा मंत्री शूद्र हो गया तो पच नहीं रहा है। इसके बाद शिक्षा मंत्री की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि ये लड़ाई है और ये चलेगी, जिन लोगों ने चरित्र हनन का प्रयास किया है उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा होगा। ऐसे में देखा गया है कि सुशील मोदी जिस तरह से जेडीयू और आरजेडी पर हमलावर रहते हैं, चंद्रशेखर ने भी इस मौके को हाथ से गंवाने की कोई भी कवायद नहीं छोड़ी है। वहीं इस पूरे मामले में सबूत दलीलें निर्णायक साबित होंगी और ये राजनीतिक नहीं कानूनी मुद्दे की शक्ल ले लेगा। मगर तब भी ऐसी लड़ाई के पीछे राजनीतिक मंसूबे होना किस हद तक जायज है, इस सवाल के साथ मैं आपसे विदा लूंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मैं लौटूंगी बाकी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।